नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के चलते अब राज्य भर में कई सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने खुले हुए सड़क मार्गों को लेकर कुछ रूट तय किए हैं, जहां पर वाहनों की आवाजाही की जा रही है। तो कौन से है ये सड़क मार्ग, कहाँ जारी रहेगी आवाजाही, लीजिए आप भी देखिए। उत्तराखंड के कुमाऊं में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाके की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हल्द्वानी शहर की मेन सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया है, तो वहीं अभी भी कई सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। दरअसल कुमाऊं भर में बारिश के चलते कई सड़कों की हालत बदतर हो गई है, जिसके चलते उन पर आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं नैनीताल जिले में प्रशासन ने हल्द्वानी से अल्मोड़ा, रानीखेत और बागेश्वर जाने के लिए कुछ सड़क मार्गों को तय किया है। वहीं हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाने के लिए लोगों को वाया भवाली, रामगढ़, धानाचूली से शहर फाटक होते हुए अल्मोड़ा जाना होगा। तो वहीं अल्मोड़ा से हल्द्वानी आने के लिए वाहनों को वाया रानीखेत, भतरोज खान, भोमखाल, चिमटा खाल, रामनगर होते हुए आना होगा। इसके अलावा रानीखेत से बागेश्वर जाने के लिए लोगों को वाया सोमेश्वर, कौसानी होते हुए बागेश्वर जाना होगा। इसके साथ ही अल्मोड़ा से बागेश्वर जाने के लिए लोगों को वाया सिरकोट, ताकुला होते हुए बागेश्वर जाना होगा। वहीं बाकी सड़कों को मलबा आने के चलते फिलहाल बंद किया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।